यादव साहब बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं। हरिओम यादव जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। हेलो हरिओम जी, मेरी आवाज आप तक जा रही है? आ रही है। हरिओम जी, इस चुनावी रण में आप बीजेपी के नेता के तौर पर मैदान में हैं, लेकिन आपकी पहचान समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर रही, मुलायम परिवार के रिश्तेदार पर उनके करीबी के तौर पर रही, चूंकि आप समधी भी हैं, लेकिन अब आप बीजेपी में शामिल हो गए और पिछले तमाम समय से हम देख रहे हैं कि आप बीजेपी को बहुत मजबूत कर रहे हैं। आपका एक बड़ा आधार फिरोजाबाद, उसके आसपास के बेल्ट पर माना जाता है। आप छह जगहों पर दावा करते हैं कि इन छह क्षेत्रों में मेरा खासतौर पर प्रभाव है। क्या लगता है आपको इस बार? देखिए, इस बार सपा का जो यादव मतदाता माना जाता था, जो गढ़ था सपा में, वहां सपा बुरी तरह से हार रही है और फरीदाबाद की पांचों सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही, कमर खेलने जा रहा है। और आसपास के जिलों में करहल में लड़ाई है कांटे की, और मैनपुरी की सारी सीटें, करहल की अभी कोई फैसला नहीं बने, मैनपुरी की सारी सीटें बीजेपी जीत रही है, एटा की सारी सीटें बीजेपी जीत रही है, फरीदाबाद की बीजेपी जीत रही है, औरैया की बीजेपी जीत रही है, कन्नौज की बीजेपी जीत रही है। तो अब गढ़ कहाँ रहा, सपा तो खत्म होने जा रही है। और सपा को खत्म करने के लिए अखिलेश जी के चाचा रामगोपाल जो शकुनी का रूप धारण किए हैं, वही सफिशिएंट है, वही समाजवादी पार्टी को खत्म कर देंगे। हरिओम जी, ये नाराजगी रामगोपाल जी से इसलिए है क्या, क्योंकि उन्होंने आपको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था? देखो, नहीं, मेरी नाराजगी इसलिए, नाराजगी प्रॉपर सके गलत कामों का मैंने विरोध किया। हाँ। पूरे देश ने देखा, यादव सिंह वाले प्रकरण में इन्होंने पार्टी की सीटें लेकर कराई, अखिलेश की बदनामी कराई और रुपया लूटा खुद यादव सिंह से 13 करोड़। तो ये पार्टी की बदनाम, इन चीजों का मैंने विरोध किया। इनके भांजे ट्रैक्टर चुराते थे मेरे जिले में, शराब बेचते थे, और ये माफिया किस्म के लोगों को पालते हैं रामगोपाल, अखिलेश समझ नहीं पा रहे। हमने बीजेपी के लोगों से कहा कि आप चिंता न करिए, आपको खत्म करने की जरूरत नहीं समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी को खत्म करने के लिए, अखिलेश को खत्म करने के लिए अकेले प्रोफेसर रामगोपाल शकुनी ही काफी है। ये आप जो बात कह रहे हैं हरिओम जी, अखिलेश यादव के लिए आपके मन में पीड़ा है तब आप ये कह रहे हैं, या आपको लगता है कि हाँ वाकई वो समझ नहीं पा रहे? क्योंकि अखिलेश यादव तो कहते हैं कि मुझसे ज्यादा समझदार कोई नहीं है, मैं जो कर रहा हूं मैं तय कर रहा हूं, मैं ही करूंगा। यही तो अखिलेश पर रामगोपाल का चश्मा चढ़ा है, अखिलेश को घमंड है, अखिलेश को जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा कि हमारे चाचा के कुकर्म क्या है। चाचा पार्टी खा रहे हो, अखिलेश को भी खा रहे हैं, नेताजी का परिवार बर्बाद कर दिया, शिवपाल सिंह जैसे जनाधार वाले नेता को किनारे लगा दिया, तो ये अखिलेश समझ ही नहीं पा रहे। हरिओम यादव जी, आप जो कह रहे हैं कि एटा से लेकर कन्नौज से लेकर हर जगह पर बीजेपी जीत रही है, ये तो खैर जनता को तय करना है, आज मतदान का दिन है और 10 तारीख को हम देखेंगे कि क्या परिणाम आएगा, लेकिन अगर ऐसा है तो ये क्या बीजेपी के लिए बड़ी उपलब्धि है उनके काम के आधार पर, या हरिओम यादव के प्रभाव के आधार पर? देखिए, बीजेपी का काम भी है और सपा से यादव मतदाता छिटक गया है, क्योंकि हम जैसे लोगों को पार्टी से बाहर किया गया तो यादवों में भारी नाराजगी है, और यादव उस नाराजगी का बदला कमल के फूट का बटन दबा करके और अखिलेश से समाजवादी पार्टी से लेना चाहता है। हरिओम यादव जी, आपने शिवपाल का जिक्र किया, वो तो वापसी कर गए वहां पर? देखिए, वापसी करके धोखा हुआ उनके साथ, कहा उनसे कुछ गया था, उनसे कहा गया था 25 सीट देंगे, फिर कहा 15 देंगे, फिर कहा 6 देंगे, और लास्ट में एक भी सीट नहीं दी, अकेले जसमंत नगर की देके उनको अपमानित कर दिया। क्या लगता है आपको, करहल का आप जिक्र कर रहे थे, कांटे की टक्कर आप मान रहे हैं, टक्कर तो है ना कम से कम, और जो कॉम्बिनेशन बनाया गया था अलग अलग जाति समीकरण को साधकर, वहां पर इस वक्त क्या स्थिति बन रही है? और खुद जो समाजवादी पार्टी, मुलायम यादव से जुड़े हुए तमाम लोग थे, पुराने लोग, वो क्या मन में अभी तक लेकर बैठे हैं? क्योंकि जो एक लड़ाई की बात थी, परिवारवाद की, वो तो समय के साथ धीरे धीरे खत्म होती दिख रही है, खत्म हो चुकी है। देखिए, नेताजी के जो साथ के लोग थे वो जनाधार वाले लोग थे, वो सब अपमानित होकर किनारा कर गए, ज्यादातर लोग बीजेपी में चले गए, क्योंकि बीजेपी अब जनता के हित के काम कर रही है, महीने में 2 बार राशन दे रही है और पेंशन दे रही है, किसान सम्मान निधि दे रही है, तो बहुत काम है बीजेपी का, जनता को पसंद आ रहा है। और अखिलेश जी समझ नहीं पा रहे, करहल में जो लड़ाई है वहां हमेशा सपा 60-70 हजार से जीतती थी, और अब क्यों हमको लग रहा है कि हार जीत का अंतर
5-10 हजार के बीच होगा फैसला कुछ भी। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। हरिओम जी हमारे साथ आप बने रहिए। अजय कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं किदवई नगर सीट से, अजय कपूर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं किदवई नगर सीट से पूर्व विधायक भी, और श्रीप्रकाश जायसवाल की बात करें तो उसके बाद अजय कपूर एक बड़ा नाम बनकर वहां पर उभरे हैं। और जैसा कांग्रेस भी इस चुनाव में हम ये कह सकते हैं कि हाँ जो पिछले उसके तमाम परफॉर्मेंस रहे कम से कम सक्रियता के तौर पर एक कामयाबी उसके लिए दिखाई दे रही थी कि वो सक्रिय दिखी। अजय जी क्या लगता है किस तरीके की लड़ाई है? जैसा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं हरिओम यादव साहब जो कि नेता बीजेपी के और मुलायम सिंह यादव के समधी भी हैं, वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी हर तरफ और समाजवादी पार्टी के गढ़ में वो बार बार ये कह रहे हैं कि वो अपनी वजह से ही नेस्तनाबूत हो रही है, परिवार को अपने आप में एक झटका बड़ा लगेगा फिर से। कि मैं केवल किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, आप यहाँ पर चेक करें देखें यहाँ का चुनाव, यहाँ के मतदाता, यहाँ के रहने वाले लोग, ये मेरा परिवार है, ये विधानसभा मेरे परिवार के रूप में, यहाँ पर मैं उनका बेटे के रूप में यहाँ पर मैं काम करता हूँ, और यहाँ पर यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है, और यहाँ पर कांग्रेस का पंचम फैल रहा है, हर तरफ ज्यादा से ज्यादा लोग अजय जी आपने कहा सिर्फ किदवई नगर, मैं इसको किदवई नगर तक नहीं समेटूंगा, आप कैंडिडेट वहां पर जरूर हैं, लेकिन जायसवाल साहब के बाद चूंकि कानपुर गढ़ माना जाता था कांग्रेस का कभी, लेकिन उसके बाद आप एक बड़े नेता बनकर वहां पर उभरे हैं, मौजूदा दौर में आपको लगता है कि हाँ कम से कम अपना गढ़ कांग्रेस बचा ले जाएगी इस चुनाव में? देखिए सब तरफ से कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है, कानपुर का मुझे मालूम है क्योंकि मैं अभी चुनाव में अपने बिजी हूँ, कानपुर का मुझे मालूम है, और मैं ये निश्चित कह सकता हूँ कि कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है और बहुत अच्छे रिजल्ट होंगे। हरिओम यादव साहब देखिए कांग्रेस का भी दावा है, अगर आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के गढ़ में समाजवादी पार्टी परिवार के तौर पर कमजोर हुई है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अजय कपूर साहब कह रहे हैं कि कानपुर में कांग्रेस प्रत्याशी भी अच्छा लड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रति बढ़िया मिजाज भी लोगों का है। बीजेपी ने बहुत अच्छे कैंडिडेट उतारे और जाति समीकर साध के कैंडिडेट उतारे, इसीलिए बीजेपी के प्रत्याशी सभी बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। नहीं लेकिन कांग्रेस ने इस बार सक्रियता बड़ी दिखाई है। देखिए कांग्रेस पहले पार्टी देश की बड़ी पार्टी रही है, बीच में कांग्रेस खत्म हो गई है, अब प्रियंका गांधी मेहनत कर रही है कांग्रेस उभर जाए, अब देखो कितना प्रियंका का सर पड़ता, कितने लोग जीत के आते हैं, ये तो अब 10 तारीख को पता लगेगा। चलिए अजय कपूर जी हमारे साथ अब नहीं है, लेकिन हरिओम यादव साहब आपसे एक आखिरी सवाल, जो आपने यहां पर बात कही कि बहुत बड़ा मैसेज जाएगा, ये तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं इस वक्त, यादव परिवार निकल पड़ा है, मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव, ये तस्वीर आप देखिए, इसमें अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल दिख रही है। जो हरिओम यादव साहब के मन की बात है, हरिओम यादव साहब जो आपने बीजेपी को चुना, आपने समाजवादी पार्टी से निष्कासित होने के बाद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी चुनी, उसके एक मिनट हरिओम यादव जी इस वक्त अखिलेश यादव कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। ये क्या कर रहे हो भाई मेरे हाथ में? पीछे हो जाओ, सबसे बात कर ले लो। राजेश कुछ अब अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने आवास से मतदान केंद्र पर पहुंच चुके हैं। हरिओम यादव साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जा सुन रहा हूं। हरिओम यादव जी अखिलेश अपनी पत्नी के साथ पहुंचे हैं मतदान करने के लिए, लेकिन आपने बड़ी बात कही कि अखिलेश समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन उनको चोट पहुंचा रहा, कौन जो समाजवादियों का एक गढ़ था उस गढ़ में सेंधमारी खुद करवा रहा।
जी आखिर क्यों वो समझ नहीं पा रहे हैं अगर आप ये कह रहे हैं? अखिलेश के साथ अच्छे लोग नहीं जुड़ पाए, कोई चाटकार लोग हैं, बेईमान और भ्रष्ट लोग हैं जो भैया भैया कह के गुमराह कर रहे हैं अखिलेश जी। अखिलेश जी उन्हीं से घिरे हुए हैं, राम गोपाल जैसे चाटकार चापलूस और बेईमान और भ्रष्ट लोगों से घिरे हुए, उनकी बात अखिलेश जी मानते, ऐसे लोगों की बात मानेंगे जब तक अखिलेश जी स्वयं निर्णय नहीं लेंगे, जनता के भावना को नहीं समझेंगे, जनता के टेम्परामेंट को नहीं समझेंगे तब तक अखिलेश जी कभी सफल नहीं हो सकते। ये आप लोगों ने समझाने की कभी कोशिश नहीं की क्या? प्रयास तो आप लोगों ने किया होगा ना? अखिलेश सुनना नहीं चाहते, उन्हें इतना अहंकार है, उनको लगता है उससे काबिल इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है, मैं ही सबसे बड़ा काबिल हूँ, मैं ही सबसे बड़ा नेता हूँ, मैं ही सबसे योग्य हूँ। और चला रहा है उनका चाचा शकुनी राम गोपाल, वो जैसे कहते वही करते अखिलेश। खुद आपके लिए कितनी आसान या कितनी कठिन लड़ाई है इस चुनाव में? हमारे लिए कोई कठिन नहीं, बहुत आसान है, इससे आसान लड़ाई हमें जीवन में नहीं मिली और भारी अंतर से हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया हरिओम यादव जी, बहुत शुभकामनाएं भी आपको। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं जरा सुनते हैं। परिवर्तन आएगा और बदलाव होगा, भारतीय जनता पार्टी वहीं पहुंच जाएगी जहां पर पिछली विधानसभा में संख्या थी, न किसानों की आय दोगुनी हुई, न नौजवानों को नौकरी रोजगार मिला, महंगाई बढ़ी, बड़े बड़े आयोजन हुए इन्वेस्टमेंट के, डिफेंस एक्सपो हुआ, लेकिन यहाँ के नौजवानों के हाथ में न नौकरी मिली न रोजगार मिला। जो मुख्यमंत्री कहते हैं हम 24 घंटा काम करते हैं, आखिरकार 11 लाख पद सरकारी क्यों खाली हैं? पिछले तमाम सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि जवाब नहीं दे सकती है इसीलिए उनकी भाषा बदली हुई। आज ही जहाँ तक कानून व्यवस्था का सवाल है, जो एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं और वो साबित भी हो रहा है, सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं और बेटियां कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में। चार आएगी सरकार बनने वाली है, अखिलेश जी बिल्कुल सीएम बनेंगे वो। आप बताएं आपने मत का प्रयोग किया, क्या उम्मीदें हैं, क्या मानकर चलते हैं? पूरा मुझे यकीन है कि समाजवादी पार्टी की ही सरकार आएगी जी। आप बताएं समाजवादी क्या आखिर किस आधार पर जी? किस आधार पर? अच्छे कामों के आधार पर हम किए हैं उसको देखे, इस सरकार ने कोई भी काम नहीं किया है। अच्छा आप बताइए मैडम क्या समाजवादी पार्टी, क्या मुख्यमंत्री जी इस बात को बताएंगे कि पुलिस की कांस्टेबल महिला की मौत हुई, उसको किस तरीके से मारा गया, कितने दिन लापता रही, क्या ये बताएंगे? और साथ ही साथ में मैंने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना था, ये कह रहे थे कि अगर बंगला बड़ा होगा, घर गाड़ी होगी, कोई अपहरण कर लेगा। आप बताइए अपहरण हुआ आगरा से एक व्यापारी के बेटे का, दो दिन वो फरौती नहीं दे पाया, 25 लाख की मांग थी, क्या उनके बेटे की हत्या हो गई कि नहीं हत्या हो गई? मैं ये दो उदाहरण देता हूँ। क्या मुख्यमंत्री जी सो रहे थे जब हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल लड़की को लापता होकर के लाश मिली है पीजा इनार में? क्या मुख्यमंत्री जी इस बात के लिए बताएंगे कि दोषी कौन है? क्या मुख्यमंत्री जी सजा दे पाएंगे जिसकी वजह से जान गई है? देखिए मुख्यमंत्री जी तो निशाना साधेंगे, कह रहे कि सबका साथ और सैफई परिवार का विकास, देखिए इस तरह का नारा। सी अगर अगर कोई आंख बंद कर ले उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मुख्यमंत्री जी 5 साल रहे बाबा मुख्यमंत्री, आपने अपने मेडिकल कॉलेज को वो सुविधाएं क्यों नहीं दी, डॉक्टर और स्टाफ को जो सुविधाएं पीजीआई की है, जिम्मेदार कौन है? अगर आप अपने गोरखपुर को एक्सप्रेसवे नहीं जोड़ पाए जिम्मेदार कौन है? और जो विकास हुआ है सफाई का वो एक दिन का नहीं है, कितना लंबा समय हुआ, क्योंकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री को कोई काम अच्छा करना नहीं है, अच्छा काम देखना नहीं है। और ताज्जुब तब होता है
कि इनका आज बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो या कोई नेता हो, सब झूठ बोल रहे हैं। अरे गुजरात वाला मामला है, जिसमें दोषियों को सजा दी गई है, आजमगढ़ के रहने वाले हैं वो लोग। भाजपा कह रही है समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो गुजरात वाले मामले में दोषी करार दिए, समाजवादी पार्टी के नेता बता रहे हैं। कोई आतंकवादी हो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और अगर आज और चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगाना, भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेटेजी से चलती है, आपके साथ भी फोटो आई, स्ट्रेटेजी से चलती है, उन्हें पता है। मुझे ये बताइए, समाजवादी पार्टी जो आरोप लगाने वाले हैं वो झूठे हैं कि नहीं है? इटावा में आए थे बाबा मुख्यमंत्री, क्या उन्होंने झूठी तस्वीर लगाई कि नहीं लगाई? उत्तर प्रदेश में तमाम जगह पर जब विकास दिखाना था तो चीन की फोटो चोरी करके कौन लाया? जिस समय उन्हें कारखाना दिखाना था उस समय आपने अमेरिका का कारखाना दिखाया। भारतीय जनता पार्टी से झूठी कोई पार्टी नहीं है। तो बड़ी खबर आपके सामने, और आप सुन रहे थे अखिलेश यादव और उनके परिवार को। अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ पहुंचे और अपना वोट डाला उन्होंने, उनका परिवार भी वहां पर मौजूद था। हालांकि बताया गया था कि मुलायम सिंह यादव भी उनके साथ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल अखिलेश यादव ने अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ सैफई के बूथ संख्या 239 पर अपना वोट डाला है, और वहीं से उन्होंने एक बड़ी बात कही है। बीजेपी के लोग बड़ा झूठ बोलते हैं, हर एक नेता झूठ बोलता है, ये कहकर निशाना साधा बीजेपी पर। उन्होंने प्रधानमंत्री के संबोधन का जिक्र किया, उन्होंने मुख्यमंत्री का भी जिक्र किया कि क्यों आखिर गोरखपुर को नहीं जोड़ पाए वो एक्सप्रेसवे से, क्यों आखिर गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज को वो सुविधाएं नहीं मिल पाई जो कि सर्वे में पीजीआई में मिलती हैं। ये सारी बातें कहते हुए सीधे तौर पर निशाना साध रहे थे, लेकिन अब देखना होगा कि खुद उनकी कही बात जनता तक कैसे पहुंच पाती है। परिवार तो कह रहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन परिवार के अलावा अगर आम जनता की बात करें तो वहां का मिजाज क्या कहता है, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल आज मतदान का दिन है। अरे फौज की नौकरी कब दोगे? और जहां तक ये सवाल है, जहां तक पुलिस का सवाल है, आपको वो तस्वीर नहीं दिखा पाए जो तस्वीर दिखानी चाहिए थी? आखिरकार वो क्या हो रहा था सामने? चलिए, तो आपने सुना अखिलेश यादव अपनी पत्नी के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी वहां पर जो मौजूद थे, उन लोगों ने उनसे बातचीत भी कही। अभी फिलहाल जो मौजूदा दौर में इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है वो खुद करहल में अखिलेश के लिए भी है। हमारे साथ मनोज मिश्रा जी इस वक्त जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है मनोज भाई आपका। और रुद्र प्रताप जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत है रुद्र जी आपका। सबसे पहले मनोज जी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। अखिलेश को आपने सुना, अभी भी वही अंदाज है, वही कॉन्फिडेंस है, और ये दिखना चाहिए, दिखता भी है, नहीं दिखाएंगे तो मनोबल टूटेगा। लेकिन चुनौती ये भी खड़ी कर रहे हैं बीजेपी के लिए, और बीजेपी ने इनको अपनी सीट पर ही चुनौती में खड़ी कर दिया है, इनके लिए स्थिति वहां पर संकट वाली। अभी हरिओम यादव जो कि अब बीजेपी के नेता बन गए, इसी परिवार में मुलायम सिंह यादव के समधी हैं, वो तो दावा कर रहे हैं कि मैनपुरी, सैफई या जितनी जगह पर इस वक्त चुनाव चल रहा, हर जगह समाजवादी पार्टी का गढ़ टूट रहा है, ये उनका दावा था। अतुल जी, दरअसल तीसरे चरण में, और इसको यादव लैंड या बाकी जिन भी चीजों से नवाजा गया है, नवाजा जाए, समझा जाए, कहीं ना कहीं ये बात उचित है। लेकिन इसी यादव लैंड में जो 30 विधानसभा यादव बाहुल मानी जाती हैं, 2017 के चुनाव में सिर्फ 6 जीत पाए थे समाजवादी पार्टी, और मुलायम सिंह का मंच पे ले आना, उनसे एक आह्वान कराना, शिवपाल, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव के साथ फोटो जारी करना, तो देखिए चुनाव में वो सारे हथगंडे या सारी चीजें अपनाई जाती जिससे जहां कुछ भी 19-20 लगे और जनता का कैसे उसके साथ में लगाव हो, रुझान हो या उस कमी को पूरा किया जा सके,
ये प्रयास दोनों तरफ से चल रहा है, चाहे वो आप भारतीय जनता पार्टी के वहां के प्रत्याशी को देख लीजिए, चूंकि वो भी मुलायम सिंह के परिवार के बहुत करीबी थे और मौजूदा सांसद भी हैं, मंत्री हैं, उसके बावजूद वो अखिलेश के खिलाफ विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। रही बात तीसरे चरण में, जब आप 59 में 49 होते हैं तो अपने रिकॉर्ड को ही दोबारा रिपीट करना वो बहुत बड़ी चुनौती होती है। अखिलेश के लिए खोने को कुछ नहीं है, चूंकि आप अगर देखें कि 59 में किसकी क्या स्थिति है, चाहे वो सपा की बात कर ले, चाहे वो कांग्रेस की बात कर ले, या भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले। और अतुल भाई एक बात जो सबसे बहुत बड़ी है, तीन चरणों में हम लोगों ने, या आज की बात कर ले, उधर नजर नहीं जा रही है जिसका एक इतिहास रहा है केंद्र से लेके प्रदेश तक वोटों को स्विंग करने पे चुनाव से पहले या चुनाव के बाद गठबंधन और विचार में किसके साथ कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि आज की 59 सीटों का जो चुनाव है या जहां पे वोटिंग जारी है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा चुनौती है अपनी सीटों को रिपीट करने की। वही अखिलेश के लिए चुनौती है कि कितना ये अगर सरकार बनाना चाहते हैं, सरकार के लिए जैसे नंबर दो की स्थिति में है या 1-2-1 ये टक्कर देने भाजपा को, तो कितना ये भारतीय जनता पार्टी से अपने खेमे में लेके आते हैं, ये दोनों के लिए है। तो अखिलेश को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा क्योंकि परिस्थितियां बदली हुई हैं और यही वजह है कि आज यादवों के क्षेत्र में भी 1-2-1 टक्कर उनको देखनी पड़ रही। रुद्र प्रताप जी, सहमत हैं आप मनोज जी की बात से? और जो यहां पर एक बीजेपी की तरफ से रणनीति बनाई गई करहल में खुद अखिलेश को घेरने की, लेकिन उसके साथ साथ बीजेपी के लिए भी बहुत सारे विधायकों को उन्होंने टिकट काट कर बदला है, बहुत सारे जगहों पर उनके लिए नए समीकरण चुनौती बनकर उभरे हैं, ये पूरा बेल्ट जो कि बुंदेलखंड से भी जुड़ता है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा भी इससे जुड़ता है, अवध का हिस्सा भी जुड़ता है, एक बड़ा मैसेज दे गया था पिछली बार। सीटों को अगर हम देखें तो 49 सीटें जीतकर बीजेपी ने एक तरीके से क्लीन स्वीप कर दिया था, लेकिन इस बार किस तरीके की चुनौती बीजेपी के लिए कैंडिडेट के तौर पर आप देखते हैं? बाकी तो शीर्ष नेतृत्व और उनका चेहरा, उस आधार पर तो चीजें चलती रहती। बिल्कुल अतुल जी, देखिए ब्रिज कानपुर और बुंदेलखंड का इलाका है, यहाँ पे कैंडिडेट को आप दो लहजों से देखिए। अगर खास के भारतीय जनता पार्टी की आप कैंडिडेट की बात करेंगे तो शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी मान के चल रहे थे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को वो विधायकों को टिकट काट के पूरा कर लेगी, काफी हद तक नए लोगों को उतार के, स्वामी प्रसाद मौर्य का कारण हुआ, उसके बाद काफी विधायकों के टिकट जो कटने वाले थे वो होल्ड किए गए। और दूसरी बात, जब डिजिटल प्रचार आ गया तब बड़ी पार्टियों को, दोनों राजनीतिक दलों को, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों को लगा कि नए नामों के साथ इतनी जल्दी गांव के आखिरी छोर तक पहुंचना मुमकिन नहीं होगा, इस वजह से भी कई विधायकों को फिर से टिकट दे दिया गया जब वो डिजिटल प्रचार को चुनाव आयोग ने हरी झंडी दे दी। पहले दो कारण ये रहे। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को इस लहजे से भी समझिए कि जो मुख्य विपक्षी दल है उनके किसी भी उम्मीदवार को उन्होंने आसानी से वॉकओवर देने की कोशिश नहीं की है, चाहे वो अखिलेश यादव हैं उनके खिलाफ ही मजबूत प्रत्याशी उतारा गया है, ओम प्रकाश राजभर हैं उनके खिलाफ ही मजबूत प्रत्याशी है, स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपनी फाजिल नगर पे मजबूत प्रत्याशियों का सामना कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी आक्रामक तौर पे लड़ रही है और वो कोई भी ऐसा संदेश नहीं देना चाह रही है कि जहां से लगे नहीं अखिलेश यादव के खिलाफ बहुत मामूली कैंडिडेट को उतार दिया गया या अमुक के खिलाफ बहुत मामूली कैंडिडेट को उतार दिया गया। तो रणनीति के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी आक्रामक रणनीति खेल रही है। बुंदेलखंड का वो इलाका अभी भी उसके लिए सेफ माना जाता है, जो ये माना जा रहा है कि सिंचाई परियोजना को जिस तरीके से वो बुंदेलखंड में लेके पहुंचे या हर घर जल हर घर नल की सफलता उनको काफी हद तक करीब ले जाएगी, लेकिन यही वो जगह भी है अतुल जी जहां देखना होगा कि अन्ना पशुओं की समस्या बड़ी विकराल थी, जिस तरीके से बुंदेलखंड के विधायकों ने लगातार मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी या अमित स्वस्ती जी को चिट्ठी लिखी अन्ना जानवरों पे, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। हालांकि डिफेंस कॉरिडोर की बातों से ये आया कि युवा अब बुंदेलखंड के युवाओं को बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, तो बुंदेलखंड को अगर एक थोड़ा सा सेफ जगह भी मान लीजिए तो भी ये जो आलू बेल्ट है जो कही जाती है कि मुलायम सिंह जी का गढ़ एरिया है और पिछली बार परिवार के फूट की वजह से उसमें दो भाग हो गया था, इस बार अखिलेश यादव जी के लिए बड़ी चुनौती होगी ये दिखाना कि वो परिवार को एकजुट कर पाए हैं और खासकर वो जगह जिसको वो अपना गढ़ कहते हैं उसको वो बचाने में सक्षम हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। जी तो जी, जो बात यहां पर रुद्र प्रताप जी ने कही है, मनोज जी अगर हम देखें तो जो सारी सीटें हैं वहां का कॉम्बिनेशन सभी पार्टियों ने अपने हिसाब से बनाया, 14, 17 और 19 इनके जो परिणाम थे वहां पर बीएसपी को बड़ा डेंट, समाजवादी पार्टी को अपने गढ़ में बड़ा डेंट, आपको लगता है कि हाँ वही फैक्टर अभी भी चल रहे हैं,
या फिर इस बार एक एंटी इनकमेंसी का थोड़ा बहुत फैक्टर होगा, या फिर जातिगत समीकरण जो बनाया गया उसका एक असर दिखाई देगा, वो इंटैक्ट होंगे तो उससे कोई मजबूती मिल जाएगी समाजवादी पार्टी को या फिर बीजेपी को, जो उन्होंने सेधमारी सभी दलों के उस कार्डर वोट में की थी। अतुल भाई, दरअसल क्या है कि 2017 और 19 या 2022 के चुनाव को या परिणाम को अगर हम समीक्षा पे भी जाएंगे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि खंडित जनादेश उत्तर प्रदेश ने 2002 के बाद देना बंद किया है। अगर उसने 2002 में बसपा को दिया तो पूर्ण बहुमत दी, सपा को दी पूर्ण बहुमत दी, 2017 में भारतीय जनता पार्टी को अगर दिया, एनडीए की बात कर लें 325 और 312 भारतीय जनता पार्टी को दिया, वो भी जहां 47 पे थे। और आज 2022 के चुनाव हम चर्चा कर रहे हैं, तीसरे चरण की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जब आप अंतिम पायदान पे होते हैं, मुझे नहीं लगता कि 403 में 325 पाने के बाद 326 का आंकड़ा, चूंकि राजनीति है, राजनीति में कुछ भी कहा जा सकता बोला जा सकता है, लेकिन विधानसभा स्तर पे पार्टी के जो प्रमुख प्रचारक हैं या खुद मुख्यमंत्री जी हैं, दो डिप्टी सीएम हैं, केंद्रीय मंत्री लगे हुए हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, चुनौती बड़ी है इतिहास को रिपीट करना या पुरानी 2017 की सीटों को रिपीट करना। तो फिर जितने भी चरण होंगे, आज तीसरा चरण है, तो चुनौती किसके सामने है भाई? अखिलेश यादव तो जब जो 2012 से 17 सत्ता में थे, सत्ता से इस तरह से बाहर हुए कि 47 सीटों में सिमट गए। अब 47 सीटों में जब 59 में 49 भारतीय जनता पार्टी, तो चुनौती किसके लिए? रही बात जो मुद्दे हैं बेसिक, चाहे वो आवारा पशु की बात कर लें या जैसे उपलब्धियों की बात कर लें कि साहब कॉरिडोर के साथ साथ जो है वहां पे बुंदेलखंड में बड़ा जल संकट था, लेकिन उस जल संकट में बचाना और लेना, बचाना है भाजपा को और कहीं ना कहीं गेन करना है समाजवादी पार्टी को, इसको हम भी मानते हैं और आप भी मानते हैं जी। बदली परिस्थिति में, चूंकि मायावती का मैं बार बार जिक्र इसलिए करता हूं अतुल जी, कि मायावती उत्तर प्रदेश के 30 साल की राजनीति में फैक्टर नहीं होंगी, तो उनके वोटर करिश्मा ही होंगे। अब वो करिश्मा हम चुनाव से पहले, चुनाव के बाद, दोनों की बात जिक्र इसलिए करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मायावती को सामने रख करके बहुत बार केंद्र में और प्रदेश में सरकारें बनाती रही, सहयोग देती रही, उनको मुख्यमंत्री बनाती रही, लेकिन आज उनके वोटरों उनकी चर्चा नहीं, जबकि वोटर निर्णायक होंगे। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव 2017 की लड़ाई वाली स्थिति में आज नहीं, आज वो जिस तरीके से मंच पे या संदेशों के जरिए भेजने की कोशिश करते हैं, साहब हम एक हैं। और एक में दो चीजें थी अतुल जी, एक तो परिवारवाद था, दूसरा अपराध की बात थी, तो अपराधियों को और परिवारवाद से अखिलेश ने किनारा करने की कोशिश की है। तो और यही वजह है कि हम लोग पहले दूसरे तीसरे चरण में या पूरे चुनाव में समाजवादी पार्टी को मुख्य विपक्षी के रूप में मान रहे हैं। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी क्योंकि कैडर बेस है और यहाँ पर जो वोटरों की बात करें तो हिंदू मुस्लिम जाति समीकरणों में सेंध लगाई ही नहीं, बल्कि बड़ी सेंध लगा करके 2014 में उन्होंने जीत हासिल की, 17 में पुनः जीत हासिल की, 19 में उसकी हैट्रिक की जी। तो इसलिए 32 साल बाद सरकार का पुनरावृत्ति भी हो सकती उत्तर प्रदेश में, और अगर नहीं हो सकती तो अखिलेश यादव बड़ा फैक्टर है और अखिलेश यादव की कड़ी परीक्षा है कि इस 59 में कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी। जो परिवार की लड़ाई है, उस परिवार की लड़ाई का असर अभी भी दिख रहा है क्या? शिवपाल वापसी तो आते हैं लेकिन वो सम्मान नहीं और वैसी सीटें भी नहीं जो उनकी डिमांड थी। उसके साथ साथ बीजेपी के भी तमाम कैंडिडेट हैं, बड़े नाम हैं, कई मंत्री इस वक्त इस चुनावी रण में, इस फेज में चुनावी मैदान में हैं, उनके लिए भी बड़ी चुनौती है। क्या वो कवर अप कर पाएगी बीजेपी और परिवार की लड़ाई, और उस परिवार की लड़ाई में जो उनके पुराने लोग उनसे जुड़े हुए थे समाजवादी पार्टी से, मुलायम सिंह यादव से, परिवार से, उनको कवर अप अखिलेश कर पा रहे हैं? अतुल जी, जो फोटो आई हैं पिछले कुछ दिनों में, जिस तरीके की गणित दिखाई पड़ रही है, वो तो ये दिख रहा है कि अब मतभेद से आगे बढ़ के मनभेद वाली स्थिति में है। साथ खड़े हो जाना भर साथ नहीं होता। जिस तरीके से शिवपाल जी साथ में आए, या मुलायम सिंह जी को, अगर आप सोचें कि अगर मुलायम सिंह जी, अगर वो सीट फंसी ना हुई होती और मुलायम सिंह जी गए होते, तो आज मुलायम सिंह वोट कास्ट करने भी जाते, अभी तक वो लखनऊ से नहीं निकले हैं। तो उसका मतलब इस स्थिति में भी अगर मुलायम सिंह जी को वहां ले जाया गया, तो निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि वहां पे स्थितियां उतनी तो सहज नहीं है जितनी दिखाने की कोशिश हो रही है। और हम लोग यादव लैंड कहते हैं अतुल जी, वास्तव में वहां पे लोध भी बड़ी मात्रा में है, कुर्मी और साके, तीन लोग हैं जो भारी तादाद में। और शायद आपने देखा होगा, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य करहल में अखिलेश जी के प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, तो वो भी वही रणनीति रहेगी। कमोबेश ये तीसरा चरण सहयोगी दलों का भी चरण है,
अगर आप देखें महान दल जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन का है वो अपनी सीटें इसी पर लड़ रहा है, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय चौहान उनकी बड़ा फरुखाबाद से लड़ रही हैं, जिस पे साक वोटों पे वो होने का दावा करते हैं, लोनिया वोटों पे वो होने का दावा करते हैं, उनकी भी परीक्षा इसी पे है। भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल अपना दल उसके पास भी 5 सीटें हैं इस बार, तो ये जो सहयोगी दलों का मुकाबला है कुर्मी वोटों का साक वोटों का किधर बंटवारा होता है या किधर पिछली बार वो मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए दिखाई पड़े और ऐसा माना जाता है वो हार्डकोर सपोर्टर भी हैं भारतीय जनता पार्टी के। क्या समाजवादी पार्टी यादव के इतर जाके ओबीसी में इन वोट बैंकों पे चोट कर पा रही है? अगर कर पा रही है तो निश्चित तौर पर उसकी सीट बढ़ रही है, अगर नहीं कर पा रही है तो चीजें कमोवेश वैसी ही रहेंगी जैसे 2017 में। जी उसका आंकड़ा मेरे सहयोगी दीपशिखा बताती हुई और फिलहाल हमारे साथ दुर्मान खास तौर पर लगातार बने हुए हैं। बहुत जल्दी से रुद्र प्रताप जी एक फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा, मौजूदा जो प्रतिशत है आपको लगता है कि हाँ इस बार का जो रुझान होगा, पिछली बार लगभग 62% का आंकड़ा था इस पूरे बेल्ट में इन 59 सीटों पर, इस बार क्या आपको लगता है कि मतदाता मतदान करने जब पहुंच रहा है तो उसका रुझान भी दिखाई देगा प्रतिशत के तौर पर, क्योंकि वो भी अपने आप में बड़ा फैक्टर होता है? हाँ अतुल जी, 2017 में जो आंकड़े थे पहले और दूसरे चरण में इस बार भी लगभग लगभग उन आंकड़ों को छू लिया है, जबकि डिजिटल पे प्रचार हुआ, जमीन पे उतना ज्यादा हुआ नहीं, बड़ी रैलियां नहीं हुई, डोर टू डोर कैंपेन ही रहे। अच्छी बात आज ये रही कि अखिलेश यादव ने लखनऊ से चलकर लंबी दूरी तय करके वोट डाला, ये एक अच्छी चीज थी। इससे प्रभाव पड़ता है, जैसे जयंत चौधरी से जो लास्ट टाइम गलती हुई थी कि उन्होंने वोट नहीं डाला था, अखिलेश यादव जिस जगह पे रहते हैं वहां पे 23 तारीख को चुनाव है, लखनऊ के अगल बगल का इलाका, उनको जाना भी है, बाराबंकी से लेकर लखनऊ तक की सभाएं भी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो वोट कास्ट करने गए। मुझे लगता है इस तरीके से जब नेता बाहर निकलते हैं लंबी दूरी तय कर वोट डालते हैं, निश्चित तौर पे ये वोटरों के मन में एक उत्साह जगाता है कि जैसे उन्होंने किया है हमें भी करना चाहिए, और ये एक अच्छा संकेत है। तुल जी, जी मनोज जी फाइनल कमेंट आपका भी, ये जो इस वक्त स्थिति दिखाई दे रही उसमें लड़ाई वर्सेस में ही सिर्फ आपको दिख रही है या फिर हम कहीं मायावती को कांग्रेस को भी समझे? मायावती ने बैक टू बैक 3 ट्वीट किए हैं अभी और उन्होंने एक लाइन लिखी है कि वोटर अपना उद्धार खुद करे। नहीं नहीं अतुल जी, इस ट्वीट पे मायावती ने मुझे लगता 2012 के बाद वोटर खुद उद्धार करे इसी बात पे टिकट के वितरण भी कर रही है और सक्रियता उनकी इसी बात पे। लेकिन मैंने बीच में भी कहा कि दरअसल मायावती या कांग्रेस को तो चूंकि वो जमीनी स्तर पे खत्म हो गए, 32 साल से यूपी में उनकी सरकार नहीं रही, 10 साल सरकार केंद्र में होने बावजूद, लेकिन मायावती बड़ा फैक्टर थी। जैसे उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन और मंदिरी मुद्दा आया तो पूरे देश में सबसे ज्यादा उसका असर पड़ा, तो यूपी और बिहार में बदली राजनीति में लगातार कांसीराम के खड़े किए गए संगठन का अगर लाभ लिया, या मायावती उनकी नेता रही, लगातार मुख्यमंत्री बनती रही, और अगर आज वो 2012 तक सरकार के पास शून्य में गई और अखिलेश यादव के गठबंधन से किसी को फायदा हुआ नहीं, लेकिन मायावती 2010 से 2000 पा गई लोकसभा में, तो इस 3 चरण में और आने वाले 4 चरणों में या चुनाव परिणाम बाद इनके जो वोटर हैं, क्योंकि ये हमेशा देखिए अतुल भाई एक बात बताऊं आपको कि 206 2007 में, 224 2012 में और 325 2017 में, ये उन पार्टियों का की सीटें थी जिनकी सरकार पूर्ण बहुमत की प्रदेश में बनी जी। और भारतीय जनता पार्टी लगातार वो उन सीटों पे कंटिन्यूस काम करती रही, 2002 में 88, 2007 में 51, 2012 में 47 और ये देखिए ये मनोज जी ये तस्वीर भी आ रही है, मुलायम सिंह यादव भी पहुंचे हैं जिसका जिक्र रुद्र प्रताप जी कह रहे थे, पहुंच चुके हैं इस वक्त मतदान करने के लिए। पहले हमारे सहयोगी ने खबर दी थी कि दरअसल अखिलेश उनके साथ जाएंगे, लेकिन अखिलेश अपनी पत्नी के साथ परिवार के अन्य महिला सदस्यों के साथ वहां पर पहुंचे थे, परिवार के और लोग भी थे, लेकिन अब खुद नेताजी पहुंचे हुए मतदान करने के लिए। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सैफई में अपना मतदान करने के लिए नेताजी लखनऊ से रवाना हो चुके थे और फिलहाल वो वहां पर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर आप देखिए, नेताजी इस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं, उनको बकायदा व्हीलचेयर पर, चूंकि इस वक्त जो उनकी बुजुर्गावस्था उसका कहीं ना कहीं प्रभाव दिखाई देता है, तो उनको व्हीलचेयर पर लेते हुए नेताजी अपने ही अंदाज में हाथ जोड़े हुए लोगों का, जो भी उनके करीबी वहां पर लोग हैं उन सबका अभिनंदन स्वीकार करते हुए मतदान करने के लिए पहुंचे। मनोज जी अपनी बात पूरी करें। जी अतुल जी, लेकिन जो बात दो चीजों में सिर्फ बात रहती, जैसे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चाहे मुख्यमंत्री हो या केंद्र में मोदी जी हो, इनके खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं जिस पर व्यक्तिगत अटैक करें या सरकार पे अटैक करें। इसीलिए आप देखिए कि मोदी जी या योगी जी के बनाए मुद्दे पे अखिलेश नहीं फंस रहे, असल अखिलेश अपना एजेंडा मंचों में खुद तय कर रहे हैं, इन बातों का भी असर पड़ेगा। लेकिन जब इतनी पूर्ण बहुमत की सरकार होती, इतनी ज्यादा सीटों की संख्या होती और उसके खिलाफ कोई क्रांति नहीं हो,
तो जीतने वाले प्रत्याशी और जीतने वाले संगठन को या जो भी प्रतिपक्ष होता है उसको अन्य के तरीके से मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, और वही वही हाल या वही स्थिति अखिलेश यादव की है, चाहे वो शिवपाल की बात कर ले, मुलायम सिंह को लेके आने की बात कर ले, वो किसी भी तरीके से कोई चूक कोई गलती नहीं कर रहे हैं। और ठीक है, मनोज जी मैं आपको रोक रहा हूं, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए।